वेलकम टू माई चैनल भास्कर। सो आज हम यहाँ पे जुटे हैं एक ओनरशिप एक्सपीरियंस के लिए। गाड़ी है रेनो काइगर, सब 4 मीटर SUV। एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन है ये, क्योंकि ये आपको 13 लाख रुपए में इसका प्योर ऑटोमेटिक वेरिएंट मिल जाता है। इस प्राइस में आपको लगभग i20 ऑन रोड आती है, जो CVT वाला वेरियंट रहता है। सो अगर आप एक SUV के लिए जाना चाहते हैं जो कि आपको 13 लाख रुपये तक में मिले, तो आप ये गाड़ी देख सकते हैं। गाड़ी है मिस्टर राहुल सिद्धार्थ की। हेलो राहुल। हाय भास्कर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम आल्सो गुड। सो राहुल जी, आज आपका हम एक्सपीरियंस ओवरऑल जानना चाहेंगे इस कार के साथ। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प कर सकते हैं कार डिसाइड करते समय। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये गाड़ी आपने कब ली और कितने में ली? भास्कर, मैंने ये गाड़ी पिछले साल ही ली है, 2022 फेव के टाइम में। एंड ये मुझे टॉप एंड मिला, सिंगल टोन है ये, मुझे 1165 के आसपास मिला। इंश्योरेंस कॉस्ट जो था वो मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने इंश्योरेंस बाहर से मैच कराया, तो ये गाड़ी मुझे टोटल 1165,000 के आसपास मिला। 1165,000, ओके। सो ये कार 1165,000 में पड़ी, अभी ये आपको ऑलमोस्ट 13 लाख रुपये में पड़ रही है। राहुल जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए, सब 4 मीटर में ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आपको वेन्यू आ जाती है, सोनेट आ जाती है, नेक्सॉन आ जाती है, और XUV 300 आ जाती है। तो ये गाड़ियाँ आपने क्यों नहीं कंसिडर की? मेरा सबसे पहला कारण जो है वो, मुझे फुली ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी, AMT वर्जन्स मुझे नहीं चाहिए था। और AMT में मुझे उतना कॉस्ट जो लगता है, मुझे उतना इन्वेस्ट नहीं करना था। बाकी गाड़ियाँ जैसे आप सोनेट बोल रहे हो, सारे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी मेरे लिए। तो विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड जो फुली ऑटोमेटिक रहती है CVT, उसके लिए मैंने ये गाड़ी चुनी। ओके, सो अगर मैं समराइज करूँ तो आप शायद नेक्सॉन और XUV 300 के बारे में बोल रहे हैं कि वो AMT वर्जन आ रहा था पेट्रोल में, राइट? इसलिए आप उसके लिए नहीं गए। और वेन्यू और सोनेट आपको एक्सपेंसिव पड़ रही थी, करेक्ट? ओके, सो ये रीज़न हो सकता है आपका ये कार कंसिडर करने के लिए। एक और रीज़न था जो मैंने आपसे पूछा कि यही क्यों ली, क्योंकि हुंडई और किया का सर्विस नेटवर्क थोड़ा बेटर है रेनो से। तो सर्विस के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी? मेरी अभी तक 2 सर्विसिंग हुई है। पहली वाली जो थी वो 200 किलोमीटर के आसपास थी, दूसरी वाली जो थी वो अराउंड 1 साल के कंप्लीशन होने पर की। सर्विसिंग कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो मैंने इसमें बहुत, जो सेकेंड सर्विसिंग हुई है मैं उसमें व्हील बैलेंसिंग कराया, ऑयल चेंज कराया, तो मोस्टली जो पैकेज रहता है, जो मोस्टली का सर्विसिंग यूज होता है, उससे एडिशनल चीज करवाई है। तो समय अराउंड मुझे 4.5 के आसपास इसकी सर्विसिंग कॉस्ट गई है। कितनी माइलेज दे रही है आपको ये सिटी में? सिटी में समय अराउंड 12 देती है, और मैंने हाईवे पे भी थोड़ा टच करके देखा है तो समय अराउंड 14-15 के आसपास दे रही है। एक्चुअल हाईवे पे नहीं गई है गाड़ी, मोस्टली सिटी में चली रही है, लेकिन 14-15 दे रही है। ओके, सो फिलहाल ये सिटी में आपको 12 का एवरेज देगी, हाईवे पे 14 या 16 का भी एवरेज दे सकती है। ये अभी तक एक प्योर हाईवे वाला ट्रिप इनका हुआ नहीं है, सो आई थिंक इनको 14 दे रही है, बट इट शुड गिव अराउंड 16 प्लस ऑन द हाईवे। सो राहुल जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये कार हाई स्पीड पे या थ्रू द कॉर्नर्स कैसी है? कार की स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, ये एक ड्राइवर्स कार कही जाती है, क्योंकि इसमें जितने भी मोड्स हैं, नॉर्मल, इकोनॉमिक एंड स्पोर्ट्स, आप तीनों में चला कर देख सकते हैं। तीनों में काफ़ी अच्छा चलती है, खासकर जो नॉर्मल मोड इसका जो है, जो बेसिक मोड है, उसमें कार बहुत स्टेबल रहती है, इसके कारण इसे ड्राइवर्स कार भी बोलते हैं। और पिकअप बहुत अच्छा है, CVT हो, इसके कारण बहुत अच्छा पिकअप इसका है।
ओके, तो ये गाड़ी में आपको 1 लीटर का टर्बो इंजन मिल जाता है जो कि 100 BHP निकालता है, तो इस कारण से गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। करीब 155 Nm का टॉर्क मिलता है आपको। मैंने सुना है कि इसमें जब आप स्पोर्ट्स मोड में चेंज करते हैं तो इसकी स्टीयरिंग थोड़ी सी और स्टिफ हो जाती है और थोड़ा ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस देती है, ऐसा आपने फील किया है? राइट, ये सही बात है। जब ये मैंने इसमें जब मोड चेंज किया स्पोर्ट्स मोड, इसमें दो चीज़ें मुझे डिफरेंस पता चला कंपेयर टू नॉर्मल। पहला, जब आप स्पोर्ट्स मोड में डालते हो गाड़ी को तो गाड़ी का पिकअप थोड़ा ज़्यादा तेज हो जाता है। सेकंड, जो स्टीयरिंग रहती है वो काफ़ी स्टेबल हो जाती है, इसके कारण आपको दिक्कत नहीं आती है। तो एक नॉर्मल स्पीड में चलाने के बाद आप जब उसको स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं तो गाड़ी जो हिलती नहीं, स्टेबल रहती है और ज़्यादा रॉकेट और ज़्यादा रॉकेट समटाइम्स कभी कभी डर लगता है स्पोर्ट्स मोड चलाने में। इसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रात में इसका थ्रो कैसा आपको लगा, अच्छा है, एवरेज है या फिर ख़राब है? अच्छा मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं ऑब्वियसली आपके पास जब नई कार आती है तो आप उसको पिछले कार से कंपेयर करते हो। यस राइट, तो मेरी जो एस्पायर थी उसकी भी लाइटिंग अच्छी थी, लेकिन कंपेरेटिवली ये मुझे फार बेटर लगी। स्पेशली इन द नाइट में जब मैं ड्राइव करता हूँ तो ये काफ़ी अच्छा विजन प्रोवाइड करती है आपको। सो हेडलैम्प्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। इसमें आपको नीचे फॉग लैम्प्स नहीं मिलते हैं, बट बिकॉज ये हेडलैम्प्स का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी नीचा है तो ये आपको अच्छा विजन प्रोवाइड करते हैं। ये गाड़ी आप किन लोगों को रिकमेंड करेंगे? सबसे पहले मैं एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी कार मानी जा सकती है जो कि हाई रेंज में नहीं जाना चाहते हैं और उनका रिक्वायरमेंट जो है वो एक SUV का रिक्वायरमेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको एक SUV में मिलता है जिनकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है। सो बात करते हैं कार के एक्सटीरियर अपीयरेंस की। यू गेट LED DRLs, यू गेट LED हेडलैम्प्स, यू गेट अ बिग रेनो लोगो इन द फ्रंट, यू डू नॉट गेट स्किड प्लेट्स इन द फ्रंट बम्पर, you get 16-inch alloy wheels with a trail profile of 195/60, you get side door claddings which are factory fitted, you do not get chrome door handles, you get LED turn indicators on the ORVM, you get functional roof rails which can carry load up to 50 kg, you get a shark fin antenna, you get a spoiler with a stop lamp, you also get LED tail lamps which are C-shaped, you get a reflector on the rear bumper, Renault badging on the trunk, you get the turbo badging also on the trunk, you do not get request sensors on the front door. So let's talk about the interiors of this car. सबसे पहले नज़र जाती है ये flat bottom steering wheel पे जो कि partially leather wrapped है। You get a digital console. आपको 8-inch का infotainment system मिल जाता है जो कि wirelessly Apple CarPlay और Android Auto दोनों support करता है। You get climate control AC. This is the gear knob. यहाँ पे आपको sports mode, normal mode और economy mode में change करने के लिए एक button मिल जाता है। यहाँ पे आपको start stop button मिल जाता है। This car scores high on practicality. You get a place to just keep your mobile phone, space here to store your knickknacks which has a shutter also in it. यहाँ पे आपको एक armrest मिलता है जिसके अंदर भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है सामान स्टोर करने के लिए। You get big door pockets which can store 1 liter bottles. You get power window switches here and these two switches are to fold and unfold the ORVM and these switches are to adjust the ORVMs. You do not get auto dimming IRVMs. You get vanity mirrors on the co-driver side. You do not get a sunroof. You get two glove boxes here. Ek glove box upar bhi mil jata hai. You get 4 airbags in this car. You get height adjustable seats. You get 4 speakers and 4 tweeters powered by Archimedes. So let's talk about the rear seat comfort. सबसे पहले पीछे आपको rear AC vent मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक 12-volt का socket मिल जाता है। You get good knee room and a good thigh support.
पीछे आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें आपको दो कप होल्डर्स और एक प्लेस मिल जाता है जहाँ पे आप अपने मोबाइल फोन को स्टोर कर सकते हैं। पीछे वाले गेट्स में भी आपको बड़े डोर पॉकेट्स मिल जाते हैं जिसमें एक लीटर के बॉटल्स आराम से आ जाएंगे। पीछे आपको एक पार्सल ट्रे भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक पूरा फ्लैट बेड मिल जाता है, सो तीन लोगों को बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यू गेट 405 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस व्हिच इज मोर देन सफिशिएंट टू कैरी लगेज फॉर योर वीकेंड ट्रिप्स। तो अभी आपने देखा राहुल सिद्धार्थ का ओनरशिप एक्सपीरियंस उनके रेनो काइगर के साथ। ये जो ऑप्शन था ये टर्बो सीवीटी वेरिएंट है। थैंक यू राहुल, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस विद आवर व्यूअर्स। थैंक यू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर आप ये कार लेने की सोच रहे हैं, ओनली गो विद दिस वेरिएंट व्हिच इज द सीवीटी वेरिएंट विद अ टर्बो इंजन। डू नॉट गो विद द नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन व्हिच हैज एन एएमटी ऑप्शन विद इट। सो stay connected, like this video and you know do share it with your friends and family and subscribe to our channel Bhaskar. Thank you for watching. Thank you.